हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही थी, तो उसके लगभग हमने क्या होता है 21 डेज को कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा क्या है डे 22, क्या कह रहे हो, डे 22 है। और यार बहुत जल्दी क्या होता है कि हमारा जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज भी फिनिश हो जाएगी। और जैसे कि आप लोगों एग्जाम, बस आपको एक या एक से 2 दिन बचे हुए हैं, तो यार करो कि आप लोग ना सारी की सारी 25 दिन 25 मैराथन को यार देख के जाइए। आपको ये एग्जाम के लिए आपका बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्या रही, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि डे 21 में हमने क्या देखा था कि मानव पूंजी निर्माण का जो भी पूरा कंसेप्ट था, क्या करूं मैं, मानव पूंजी निर्माण का जो भी हमारा पूरा कंसेप्ट था उसको मैंने आपको वन शॉट में करवाया था। तो आज का जो हमारा रहेगा 25 दिन 25 मैराथन का डे 22, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ग्रामीण विकास का लास्ट जो चैप्टर है, इसके पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक होता है ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। देखो देखो, ग्रामीण विकास का अर्थ का मतलब क्या है, गाँव के विकास का मतलब क्या है। तो सिंपल ही बात, अगर हम बात करें, अगर मान लो गाँव का विकास करना, तो हमें कैसा करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से वहां पर, ठीक है, लोगों का अगर आर्थिक सामाजिक कह सकते हो, ठीक। और वहां पर क्या होगा, सांस्कृतिक, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, वहां पर सांस्कृतिक, यहां पर क्या लिखोगे आप, सांस्कृतिक, ठीक है। तो अगर मान लो गांव के लोगों का क्या होता है कि उनका आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकास करने के लिए हम जो एक प्लान करते हैं, जो नियम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास। क्या होता है, ग्रामीण विकास, ठीक है। अगला देखो टॉपिक है ग्रामीण साख। ग्रामीण साख का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें उधारी पैसा, तो अगर सिंपल से इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि ग्रामीण साख से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप लोग कृषक परिवारों के लिए, ठीक, कृषक परिवारों के ऋण प्रदान करना, कृषक परिवारों के लिए, कृषकों लिए ऋण प्रदान करना, ऋण उपलब्ध कराना, क्या कहलाता है, ग्रामीण साख, क्या कहलाता है, ग्रामीण साख। और जो ग्रामीण साख होते हैं ना, इसके कई प्रकार होते हैं। इसके वैसे स्पेशली क्या, 3 प्रकार होते हैं। पहला कह रहे कि अल्पकालीन साख, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा दीर्घकालीन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो ना, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक आपको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप कमेंट भी करिए, क्या करिए, कमेंट भी करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे अल्पकालीन साख का मतलब, मान लेते कोई किसान है ग्रामीण क्षेत्र में, और ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ना, पूरा का पूरा जो डे 22 ना, ये आपका गाँव से रिलेटेड पूरी पूरी बातें करेगा, किसमें, गाँव से, इसमें शहर वगैरह के बारे में कोई भी बातें नहीं होगी। तो अल्पकालीन साख का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई किसान है, ठीक, उसको ऋण लेना, उधारी पैसा लेना है, तो जैसे मान लो बीज के लिए लेता है, या फिर उर्वरक वगैरह के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक दवाई वगैरह के लिए, तो उसको अगर लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो मतलब ऋण दिया जाएगा, वो कौन सा रहेगा, अल्पकालीन। अब इस ऋण को रिटर्न करने की जो टाइम पीरियड होगा, 6 से 12 महीने, क्या करो, 6 से मतलब 1 साल के अंदर आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि हमारा मध्यकालीन साख। मध्यकालीन साख का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई किसान है, किसी प्रकार की कोई मशीन खरीदना चाहता है, या अभी भी गांव वगैरह में कोई कुएं खुदवाना चाहते हैं, या बाढ़ वगैरह जो मतलब खेतों के चारों किनारे लगाया था ना बाढ़, तो उसको अगर ऐसा कोई काम करवाता है, उसको ऋण चाहिए, तो उसके लिए कौन सा ऋण होगा, मध्यकालीन साख होगा। इसको रिटर्न करने का 12 महीने से क्या होता है, 5 साल होता है, क्या होता है, 12 महीने से 5 साल होता है। इसके बाद देखो कह रहे दीर्घकालीन। दीर्घकालीन साख का मतलब क्या होता है, मान लो कोई किसान हो, नई जमीन खरीद रहा है, क्या करो, नई जमीन खरीद रहा है, या फिर उसके पास मान लो कोई ऐसा बाग, मतलब बाग बगीचा वगैरह टाइप है, अब उसको क्या होता है, जमीन में कन्वर्ट करवाना चाहता है, उसको सुधार करवाना चाहता है, तो उसके लिए जो उसको मतलब ऋण दिया जाएगा, उधार दिया जाएगा, वो कौन सा होगा, दीर्घकालीन। तो इसका रिटर्न करने का जो टाइम होता है, 5 साल से लेकर 20 साल के अंदर आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये तो हमने देख लिया। अब हमारा आता है कि आखिर भाई पैसा देगा कौन, पैसा देने वाले कौन होते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो साख के जो स्रोत होते हैं, जो इन्हें पैसा प्रोवाइड करेंगे, एक संस्था का स्रोत होता है, दूसरा गैर संस्था का स्रोत होता है। क्या करूं मैं, एक संस्थागत स्रोत होता है, दूसरा गैर संस्थागत। अब एक चीज है ना, संस्थागत का मतलब क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लोग काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में रहकर सारी चीजें होती है वहां पर, ठीक है, वहां पर। अब सिंपल बात है, अगर हम लोग गवर्नमेंट से कोई लोन वगैरह लेते हैं, या सरकारी बैंक वगैरह से, प्राइवेट बैंक वगैरह से, तो वहां पर क्या कागजी कार्रवाई वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और आपको जल्दी लोन नहीं मिलता। तो संस्थागत का मतलब जिसमें व्यापारिक बैंक आएगा, भूमि, ठीक है, भूमि बैंक आएगा, भूमि विकास
विकास बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, और फिर आपके अगर यहाँ पर सहकारी साख समिति होंगे नबार्ड, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेट होते हैं, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं। तो अगर इनमें मतलब ये कहने की लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि गैर संस्थागत स्रोत, क्या करूँ, गैर संस्थागत स्रोत में कौन कौन आता है, जैसे साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, महाजन, रिश्ते और मतलब रिश्तेदार हो गए, यहाँ पर दोस्त वगैरह, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो गैर संस्थागत स्रोत में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि विपणन। क्या कृषि विपणन का मतलब क्या होता है, कृषि विपणन, ठीक है, कह रहे कृषि विपणन का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है। तो यार अगर आपसे मैं पूछूं जो हमारी फसल वगैरह होती है ना उसके कटने के बाद क्या होता है, तो कहोगे सर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप याद रखना फसल कटने के बाद यहाँ पर 3 से 4 क्रिया होती है, ठीक है। फसल कटने के बाद मतलब 3 से 4 क्रिया होती है। पहले तो इसका यहाँ पर क्या एकत्रित किया जाता है, क्या कहते हैं इसको, एकत्रित क्या होता है, एकत्रित किया जाता है। फिर इसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत, मतलब इसको प्रसंस्करण होगा। प्रसंस्करण वर्ड का मतलब क्या होता है, प्र, ठीक है, संस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण का मतलब उसको छांट बीन के करना, ठीक है। और फिर उसको अलग अलग भागों में करना, वर्गीकृत कर लेना, क्या कर लेना, वर्गीकृत कर लेना। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी पैकिंग करते हैं, क्या कहते हैं इसकी हम पैकिंग करते हैं, क्या कहते हैं इसकी हम पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर कृषि मतलब फसल के कटने के पश्चात की गई गतिविधियाँ जैसे एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण और पैकिंग, ठीक। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाते हैं, कृषि विपणन, इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि विपणन। तो अब यहाँ पर भाई सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका पेपर में आएगा, इसको उतार लेना, इसको नोट बना लेना बढ़िया से, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा। तो पहला क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला कह रहा है कि कृषि विपणन, ठीक है। तो कह रहे हैं कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया, ठीक है, कृषि विपणन का समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि उसको सुधारने के लिए सरकार ने कौन कौन से एक्शन लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्पेशली सरकार के द्वारा क्या होता है, क्या क्या एक्शन लेके, 4 पहले आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसका आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर पहले कह रहा है सरकार ने क्या काम किया, नियमित मंडियों की स्थापना। अगर आप देखोगे गांव वगैरह में ना पहले एक टाइम ऐसा होता था जहां पर किसानों को अपने अनाज को बेचने वगैरह के लिए, ठीक है, उपज को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, मंडियाँ नहीं होती थी, या फिर उनको काफ़ी दूर दराज क्षेत्र में जाके बेचना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर देगा सरकार के द्वारा कि हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर रेगुलेट मार्केट मतलब रेगुलर बेसिस पे क्या कर दिया, मार्केट मतलब वहाँ पर क्या मंडियाँ क्या बिल्ड कर दी गई, जिससे कोई किसान क्या होता है आसानी से आके अपने अनाज को बेच सकता है। इसके अलावा अगर भंडार गृह की सुविधाओं का, ठीक है, तो अब देखो ये भंडार गृह इस पर आप कह सकते हो, इसको मतलब कह सकते हो केंद्र स्तर पर भी किया जा रहा है, क्या करूँ मैं, इसको केंद्र स्तर पर भी और इसको राज्य स्तर पर भी, क्या करूँ, राज्य स्तर पर भी, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जो सरकारें होती है ना अपने अपने लेवल पर रहकर ना अलग अलग किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ना अलग अलग उनको मतलब जगह दे रही है जहाँ पर क्या होता है भंडार गृह सुविधाएं बनाई जा सके, जिससे मतलब स्टोर रूम कह सकते हो, जहाँ पर कैसा क्या कर सके मतलब कर सके अपने अनाज को आसानी से क्या सकता आके यहाँ पर अपना क्या स्टोर करवा सकता है, ठीक है। और जब उसको रिक्वायरमेंट हो, जब उसको नीड हो, तो यहाँ से वो बिल्कुल ले जा सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या इसके लिए पैसा लगता है, जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका सरकार के द्वारा आपसे कुछ अमाउंट क्या होता है यहाँ पर चार्ज किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है रियायती आता है, देखो अब रियायती आत का मतलब क्या होता है, सरकार ने क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो मतलब सामान वगैरह जो पहुंचाया जाता था उसको जैसे बैलगाड़ी वगैरह से हो गया, तो ऐसे में क्या बहुत ज़्यादा क्या मतलब वहाँ पर क्या होते हैं अनसर्टेनिटी के केस होते थे, मतलब कि मतलब दिक्कतें होती थी, मान लो बारिश वगैरह हो गई या तूफान वगैरह आ गए तो वहाँ पर अनाज वगैरह क्या खराब होने की। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, सड़क वगैरह को बेहतर कर दिया, इसके अलावा जैसे कह सकते हो गाड़ी वगैरह का भी मतलब प्रचलन हो गया, तो ये सारे के सारे सरकार द्वारा सुविधाएँ दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कह रहा है एमएसपी, ठीक, एमएसपी इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले ऐसा होता था ना किसानों के मतलब देखो होता क्या था, जमींदार मतलब जो गैर संस्थागत के लोग होते थे वो किसानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, क्यों, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कृषक वगैरह खेती करते थे। जब मान लो क्या होता है कि मतलब अनाज वगैरह हो जाता था तो जब किसान उसको मार्केट में बेचने आता ना तो वो लोग क्या करते थे, उनको बीच में रोक लेते थे, कौन, वो मध्यस्थ वगैरह जो लोग होते थे, ठीक है, बिचौलिए जिन्हें कहते हैं, वो लोग उनको रोक लेते थे। अब फिर होता कहते थे कि वो अपने अनाज को कम से कम कीमत पर हमें बेच दे ऐसा करके, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर परेशान वगैरह किया जाता था। तो सरकार ने यहाँ पर क्या कर दिया कि सरकार ने कह दिया कि हम क्या करेंगे, आपको मार्केट से बेहतर प्राइस देंगे। मान लो अगर अनाज मतलब गेहूँ का जो कीमत है मार्केट में 15 रुपये किलो है तो वहाँ पर क्या होता है सरकार के द्वारा जो MSP होगा वो 22 से 23 रुपये होगा। तो किसान कहाँ पर बेचेगा, सरकार के पास बेचेगा, सिंपल जी। तो ये डिसाइड किया था। और लास्ट यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है सहकारी कृषि समितियाँ। सहकारी कृषि समितियों का मतलब क्या होता है,
सरकार ने क्या कह दिया यहाँ पर लोगों को, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर समितियाँ बनाएगी सरकार ने, और ये जो सारे गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो सरकार ने कह दिया कि अगर किसानों को मान लो सामूहिक रूप से खेती करते हैं तो उनकी मदद के लिए क्या होगा, हमारे मतलब जो सरकारी अधिकारी होंगे वो लोग जाएंगे मार्केट में, उनकी मदद करेंगे अगर कोई उनको समस्या आती है, तो इससे क्या होगा किसानों को काफ़ी सुविधा होती है। देखो अगला टॉपिक हमारा कह रहा है विविधीकरण। विविधीकरण का भी कंसेप्ट आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है क्या होता है, तो देखो विविधीकरण का मतलब अलग अलग, क्या कहते हैं विविधीकरण का मतलब अलग अलग, यहाँ पर हमें इसको दो टॉपिक में पढ़ना है, तो पहले हमें किस रूप में पढ़ना है यहाँ पर, पहले कृषि का विविधीकरण। देखो सिंपल है, कृषि का विविधीकरण का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था लोगों ने जमीन होती थी ना तो उस जमीन पर क्या होता था एक ही फसल को उगाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया उस जमीन पर क्या करना, एक से जैसे आपने देखा बीच में फसल उगा दी, किनारे बाजरा वगैरह हो गया या चरी वगैरह डाल देते थे, तो वो कह रहे कि एक मतलब एक फसल प्रणाली से बहु फसल प्रणाली की ओर क्या करना स्थानांतरित होना क्या कहलाता था कृषि का विविधीकरण। ठीक है, दूसरा कह रहे रोजगार का। अब देखो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी जगह, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कृषि के हटकर भी हम रोजगार कर सकते हैं, तो जैसे इसमें पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी। बागवानी वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कह सकते हो ना आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ा हो ना भारत की खोज, तो उसमें जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मतलब जब जेल गए थे तो उन्होंने क्या होता है मतलब पेड़ पौधों की जो क्यारी वगैरह बनाना सीखा था, मतलब सीख रहे थे वहाँ पर कर रहे थे, तो उसी को हम कहते हैं बागवानी वगैरह, जहाँ पर पेड़ पौधे कह सकते हो मतलब फूलों वगैरह की, फूल वगैरह, ठीक है, फूल वगैरह हो गया, सब्जियाँ वगैरह हो गया, उसकी क्यारी वगैरह बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ये मतलब बागवानी। तो ये टॉपिक आपका इसमें जो तनवा था ना, ये क्या था तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु में जो महिलाएं थी ना, तो उनको क्या कर देना मतलब उनको एक तरह से शिक्षित करने के लिए कि इसमें कृषि क्षेत्र के विविधीकरण के लिए तो एक परियोजना चलाई गई थी। बस आपसे यहाँ पर डेट पूछा जा सकता है, सॉरी डेट का यहाँ पर आपका पूछा गया, जो तनवा नाम की जो परियोजना थी ये भारत में कब मतलब कहाँ चलाई गई थी, तो बस याद रखना कहाँ पर तमिलनाडु पे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछेगा भाई ऑपरेशन फ्लड क्या था, क्या था इस ऑपरेशन फ्लड, इसी को दूसरा जो नाम होता है इसको श्वेत क्रांति कहते, कहते हैं श्वेत क्रांति कह रहे हैं यहाँ पर श्वेत क्रांति, इसको कब इसको ऑपरेशन को शुरू किया था 1966 में, कब 1966 में कहाँ पर गुजरात में, और ये किससे रिलेटेड था, ये किससे, ये कहीं ना कहीं दूध से संबंधित था, दूध के जो क्रांति थी गुजरात में आई थी तो वहाँ पर क्या था बहुत ज़्यादा मतलब उससे टॉपिक रिलेटेड था। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर सुनहरी क्रांति का मतलब क्या था, आपसे पूछेगा सुनहरी क्रांति किन चीज़ों से संबंधित है, तो आप सिंपल से हम कह सकते हो जो फसलों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कह सकते हो आप फलों, ठीक है, फलों और जो सब्जियों, ठीक है, फलों और सब्जियों के जो उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई थी उसी को किस रूप में जाना गया था सुनहरी खेती के रूप में, सुनहरी क्रांति के रूप में, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आता है जैविक खेती, जैविक खेती का मतलब क्या होता है, जैविक खेती का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि मतलब आप कह सकते हो जैविक कृषि में क्या होता है कि रासायनिक आगतों का त्याग किया जाता है कृषि करने के लिए, कृषि की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें क्या होता है रासायनिक आगतों का, रासायनिक जो कारक होते हैं उनका क्या होता है यूज नहीं किया जाता है, उसी को हम कहते हैं जैविक खेती, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैविक खेती के लाभ क्या होते हैं, तो पहले अगर हम लाभ करेंगे यहाँ पर कह रहे हैं गैर नवीकरणीय संसाधनों का त्याग, जो जैविक कृषि होती है ना तो ये क्या करते हैं गैर नवीकरणीय संसाधनों का, मतलब जैसे कि अगर आप ये खेती करो तो उसमें जो केमिकल वाली चीज़ होती है जैसे कि पेट्रोल वगैरह कह सकते हो, डीजल वगैरह ये, ठीक है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। दूसरा कह रहे हैं कि जो जैविक कृषि होती है हमारे पर्यावरण के लिए क्या होती है पर्यावरण मित्र के रूप में कार्य कर सकती है, बिल्कुल सिंपल बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से पर्यावरण को हर्ट नहीं करती है, ठीक है। तीसरा कह रहा है हमारा कि जैविक कृषि जो होती है इससे हमें क्या होता है स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है, आप ये लिख सकते हो। और इसके अलावा कहते हैं जो जैविक कृषि होती है क्या भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखती है, ठीक है, तो ये हमारे लाभ थे। अगर हम इसकी हानि की बात करेंगे तो देखो जैविक कृषि का तो आज के समय अगर हम बात करें ना तो इसकी क्या सीमित उपज है, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होता है जैविक खेती क्यों मतलब की जाती है। दूसरा अगर यहाँ पर अधिक लागतशील होती है इसके अलावा, क्योंकि इसकी चीज़ें जो होती हैं जैविक खेती करने के लिए जो भी मतलब बीज वगैरह चाहिए होते हैं ना वो जल्दी हमें प्राप्त नहीं होते, अर्थात ये बहुत ज़्यादा क्या कॉस्टली होते हैं, या होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। मतलब जो तीसरी इसकी हानि होती है इच्छा शक्ति, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है आज के समय ना बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं भाई जो लोग क्या करते हैं मतलब उनके अंदर जो जैविक खेती करने की जो इच्छा होती है ना वो पूरी तरह से क्या होती है खत्म हो गई है, मतलब बहुत कम हो गई है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो 25 दिन 25 मैराथन का जो डे 22 होता है वो भी क्या कंप्लीट होता है, और इसमें हमने क्या होता है पूरे पूरे जो ग्रामीण मतलब ग्रामीण विकास का जो टॉपिक था वो सारे के सारे हमने इसमें कवर कर लिए। अगर यार गाइज आप लोगों को वीडियो अगर लग रही है ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अगर ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।